थोड़ा लेट हो गया आज, 7 बजे मुझे पहुंचना था और 7:15 हो रहे अभी। बस फटाफट मैं कर लूँ पैकअप नहीं रेडी कर लूँ सारी चीज़ें जल्दी। गुड मॉर्निंग। इंस्टाग्राम पे बहुत बार देखा था, मैं सोचा मिलूंगा एक भी बार। थैंक यू सो मच। अरे बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो देख के। थैंक यू सो मच। क्यों नहीं, अरे डेफिनेटली। अरे एक्चुअली मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, तो आपको ना देख रहा था ना, मरीन ड्राइव में रहते ना, तो आज हम लोग का प्लान बना आने का। अरे क्या बात, तो हम लोग आ गए आज। तो अभी आ रहे हैं या फिर वापस जा रहे? नहीं अभी तो यहीं पे ही है। अच्छा बस ठीक है, फिर 10 मिनट में शुरू करूंगा, तो आप आ जाओ। अरे प्लीज ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच। Now I'm ready. Here we go. पहले थोड़ा फ्लो में आ जाऊंगा, पहले वाले जो एक्ट है उनको पहले ख़त्म करना है, और आज 3 नए एक्ट है, मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट करूं आपके लिए। और ये नए वाले स्टैंड की आदत लगी नहीं है मुझे, तो ये थोड़े हिल रहे। ठीक है, पहले से बेटर इंस्टॉल करना आसान है इसे। तो अगेन संडे को, एंड आज लाइव भी आऊँगा, एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों का इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। आई विश कि ठीक ठाक दिख रहा हूँ मैं, थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी बट ज़्यादा नहीं, थोड़ी। मैंने बोला चलो चले गया, इतना तो चलता ही है। अब कोशिश कर रहा हूँ मैं YouTube पे वीडियोस डालने की। लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला है, जो बेस्ट मोमेंट्स है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। और प्रॉपर ब्लॉग की तरह तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि वक्त नहीं मिलता मुझे इसके लिए, आई एम सॉरी। लेकिन इस जगह पे या फिर जहाँ भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर जो भी बेस्ट मोमेंट्स होंगे, मैं उन सबको एक जगह मर्ज करके आप सबके लिए डेफिनेटली वीडियो बनाता रहूँगा। अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है। तो हालांकि मैं ये हमेशा जाहिर करता रहूँगा, और कमी नहीं होने वाली ना आपके प्यार की और ना मेरे जाहिर करने की इमोशंस की, कभी कमी नहीं होने वाली है। सो थैंक यू सो मच। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ऑडियंस आ जाए और मैं परफॉर्म करना शुरू करूँ। थोड़ी वार्म अप ज़रूरी है। थैंक यू। अभी यहाँ पे 3-4 लड़कों का ग्रुप खड़ा था यहाँ पे, और एक ने पूछा कि भाई क्या करता है, तो एक ने बताया कि ये लाइव एक्टिंग करते हैं, बट मत देखो से। तो एक ने पूछा क्यों, अभी बहुत गाली पड़ती रहती है इसको, सोशल मीडिया पे बहुत गाली पड़ती रहती है, सब गाली देते रहते हैं। तो मेरी नज़र पड़ गई, मैंने देखा तो एक बंदे ने बोला कि इग्नोर करो। मैंने बोला हाँ इग्नोर कर रहा। तो अब धीरे धीरे आदत हो रही है इन सब चीज़ों की, पहले आदत नहीं थी, धीरे धीरे आदत हो रही है। और आदत इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है आप लोगों का, बहुत स्ट्रांग बिलीव है आप लोगों का। इंतज़ार करना पड़ सकता है आप लोगों को, तुरंत मिल जाएगा तो फिर मज़ा ख़त्म हो जाए। ओके, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक बढ़िया, एकदम बढ़िया। थैंक यू। क्या हाल है भाई? बढ़िया। क्या नाम है आपका? वेदांत। तेरे अच्छा नाम है यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब गले मिल ले मेरे भाई। थैंक यू सो मच। क्या लगे अपना? बाय। तू ही मेरी है सारी जमीन,
चाहे कहीं से चले। कौन सा एक्ट देखना चाहेंगे? मोहब्बत और क्रश में फर्क जानना है? थोड़ा पास आना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा पास, थोड़ा पास। बस वायर इसको बचा कर। थैंक यू, थैंक यू। मुझ में दो चीजें बहुत ज्यादा हैं, पहला टेस्टोस्टेरोन और दूसरा भूख। भूख मोहब्बत वाली, क्रश वाली नहीं। क्रश मोहब्बत का ही छिलका है, या यूं कहे तो नैनो मॉडल है मोहब्बत का ही। असल में हुआ ये कि वक्त के साथ जब हमें मोहब्बत भारी भरकम, सिर दर्द, इलॉजिकल, इरिटेटिंग लगने लगी, पर ये चूल भी थी कि हम मोहब्बत करके देखें, पर हिम्मत नहीं थी। अब चूल भी है और हिम्मत भी नहीं है। उस कंडीशन पर हमें बीच का रास्ता निकाला, हमने मोहब्बत को मॉड्यूल करना शुरू किया, उसकी कॉस्ट कटिंग शुरू की, उसके वादे, उसके कस्में, उसके जिम्मेदारियां, उन सबको धीरे धीरे हटाते चले गए। इसमें वक्त लगा और हम इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार मालूम है किस बात का? इंतज़ार इस बात का कि एक दिन मोहब्बत इतना छोटा और इतना हल्का ना हो जाए कि वो चुटकी में आ जाए, और जब मन तब हम उसे चुटकी की तरह मसल भी सके। और तब आया दुनिया में हल्का फुल्का छरहरा सा क्रश। मोहब्बत में डेप्थ थी, गहराई, और क्रश, क्रश तो सिगरेट भी है। क्रश के साथ लिबर्टी है। एक साल, दो महीने, एक रात या उसी वक्त कभी भी बोर होते ही उसे उठा कर नीचे रख दो, उसे बुरा नहीं लगने वाला है। और अगर इतने में मन ना माने तो क्रश को मस्त हाथों में उठाओ और जोर से एक फुटबॉल की तरह मारो। अब बोलो, आज की ब्रेकअप पार्टी मेरी तरफ से, आज ये पगला या पगली झूम कर नाचेगी या नाचेगा, क्रश को बुरा नहीं लगने वाला है, उसे ऐसा बनाया गया। असल में खैर जो भी हो, जो भी बात हो, है तो हिस्सा मोहब्बत का ही। अब हम अपने सहूलियत के हिसाब से गंगा को कितना भी मैला कर लें, गंगा तो गंगा रहेगी ना। तो मोहब्बत मोहब्बत है और क्रश क्रश है और रहेगा हमेशा। थैंक यू। अरे फूल बरस रहे ऊपर से। थैंक यू। अरे 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 बच्चा, फोटो बात तो अरे बिल्कुल 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 शो है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ध्यान रखो। और भी कोई एक्ट देखना चाहेंगे? या लाइव एक्टिंग? हाँ, यहाँ पे चार्ट है 13 अलग अलग इमोशंस के, सिचुएशंस के। आप जो भी बोलोगे मैं लाइव परफॉर्म करके दिखलाऊंगा। बदले में आप जो भी पे करना चाहें, पर कोई शर्त नहीं है, किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है। R_Krishnavath आपका फेवरेट एक्टर? फेवरेट करूँ? ठीक है, हालांकि बहुत बार यही बोला जाता, मैं फेवरेट करता हूँ अपना। ये जो आप लोग बोलते रहते हो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, क्या लगता है किसी काम का है? है किसी काम का? नहीं। और क्यों रखो हिम्मत? क्यों लोगों को बताता रहूं कि मैं ठीक हूं? मैं ठीक नहीं हूं, टोका है ना मुझे, सुनो, मैं ठीक नहीं हूं। रात को अपने घर जाता हूं ना तो ज़ॉम्बी होता हूं, जहां बैठा हूं ना बस वही बैठा रह जाता हूं, ना हंस पाता हूं, ना रो पाता हूं, ना बात कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि बात करने के लिए कोई है ही नहीं, तो बैठे बैठे दीवारों को घूरता रहता हूं, घूरता रहता हूं, घूरता रहता हूं। और एक वक्त के बाद ऐसा लगता है कि वो दीवारें मुझसे बात कर रही हैं, और जितने सारे यहां पर मौजूद हैं उन सबसे दीवारें मुझे ज्यादा बेहतर समझती हैं। अभी जब अपने घर वापस जाऊंगा, दीवारें हाथ पकड़कर खींचने वाली कि मुझसे बात करो, और अगर मैंने इनकार किया तो ये जो अकेलापन है ना, जो इंसान का गला घोट कर मार देता है, वो मुझे मार डालेगा। और वो कहने वाला, या तो आज दीवारों से बात करो जिंदा रह लेना, तो लटक लो, खत्म करो सब कुछ। अब सोचो ऐसे घर में रहना कैसा होता है जिसकी दीवारें बात करती हैं। इन सब से बचने के लिए मैंने एक अजीब सा हंसने वाला चेहरा बनाना सीख लिया। कैसे आप लोग? मैं मस्त, कोई टेंशन नहीं है, लाइफ में सब बिंदास है, ताकि लोगों को पता न चल जाए कि ये डिप्रेशन में है।
एक ऐसी इमारत बन गया हूँ, एक ऐसा जर्जर ढांचा जो कभी भी भरभरा के गिर सकता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इसी जर्जर ढांचे के अंदर दब के मर जाऊंगा, लोगों को कभी पता नहीं चलेगा क्यों मर गया ये। तो जब इंसान जर्जर ढांचे के अंदर दब के मर रहा हो ना, उस वक्त ये हिम्मत रखो काम नहीं आता। हिम्मत रखो। थैंक यू। हाँ हो गया। थैंक यू सर। ये हुआ है ना, पहले टिकला तो कुछ ऐसा ना हो।